नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, देखाऊंगा एक सोनी 24 इंच का एक एलईडी टीवी है। इसमें फॉल्ट क्या है, आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, पहले इसका फॉल्ट क्या है और अच्छा से देख लो। मैं स्विच ऑन करूंगा, देखिए स्विच ऑन किया है। सोनी का रिमोट दो, चालू और उसको स्टैंड बाय रिलीज करो। स्टैंड बाय मोड में है, स्टैंड बाय रिलीज कर दिया। देखिए, देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है दोस्तों। आप पहले इसको देखो, सेट चालू कर दिया, ए भी लिखा आ गया है। देखिए मेनू लिस्ट में आ जाएगा, आ रहा है ना। तो इसमें एक्चुअल क्या फॉल्ट है आप देखो, इसका अंदर अभी तक मैं वीडियो सिग्नल इनपुट नहीं किया। वीडियो सिग्नल इनपुट करूंगा, देखिए क्या सिचुएशन हो रहा है। वीडियो सिग्नल यहाँ पर मैं इनपुट किया है, देखिए लो आ रहा है ना। देखिए मेरा जो 4K बॉक्स है उससे मैं टेस्ट करता हूँ, देखिए क्या सिम्टम हो रहा है। देखिए फिर आया है, चला गया उसका बाद। देखिए क्या सिचुएशन हो रहा है, देखिए वीडियो सिग्नल इंसर्ट करने का बाद ऐसा कंडीशन हो रहा है। उसका बाद क्या होगा देखिए, और लाइट ब्लिंक मोड में चला जाएगा, वो 6 ब्लिंक में चला जाएगा। तो ये फॉल्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, इजी वे मैं आपको दिखाऊंगा। आप पूरा वीडियो यहीं तक देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों उसका साथ साथ मेरा जो अपडेट प्रोग्राम, नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्क्रीन पर आया है, डेट देख लीजिए। और ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी चालू है, नेक्स्ट मंथ में फिर दूसरा बैच चालू होगा, उसमें आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है। बहुत आदमी मुझे फोन किया था, सर मैं बहुत दूर से हूँ आपका साथ, वहाँ पर अपडेट प्रोग्राम जाने का मेरा पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन में मेरा साथ ज्वाइन हो सकता है। तो दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखिए, पूरा नॉलेज जैसे आप अचीव कर। दोस्तों वो जो सोनी 24 इंच का एलईडी टीवी आप देख रहा था, देखिए वो पूरा बैक कवर में ओपन किया है, इसमें सिग्नल भी इंसर्ट किया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, ये फॉल्ट एक्चुअल तो आप वो 6 टाइम ब्लिंक हो रहा है, देख के आप समझ गया सर है तो बैकलाइट का इशू है। लेकिन इसका पैनल नंबर भी एक बार देख लीजिए, इसको देखिए थोड़ा सा V236H1, ठीक है। इसका अंदर जो एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसका अंदर देखिए वायर जो है 6 वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें नॉर्मल जो हमारा सैमसंग नॉर्मल जो 24 इंच का जो एलईडी स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप यहाँ पर नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, थोड़ा दिक्कत होगा आपको एक काम करने के लिए। तो इसको मैं एक आसान तरीके आपको दिखाऊंगा, कस्टमर का कोई इमीडिएट चाहिए, तुरंत आपको काम डिलीवर करना चाहिए, तो उसी टाइम से आप ये काम करेंगे। इधर आइए, देखिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखो एलईडी ड्राइवर सर्किट यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसा वाइट ज़्यादा मत करो, ये एलईडी ड्राइवर आईसी यहाँ पर है ना, देखो देख लीजिए। तो इसको मैं इसके अंदर एक ट्रिप्स अप्लाई करूँगा। आप पूछेंगे सर, बताएंगे सर प्रोटेक्शन पिन कर देंगे, लेकिन प्रोटेक्शन पिन मैं यहाँ पर नहीं अप्लाई करूँगा, तो इसमें मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूँगा, वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इफ जो मेथड मैं अप्लाई करूँगा, इसका पहले आपको एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फाइंडिंग करना पड़ेगा, और फाइंडिंग करने का टेक्निक बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। उसका बाद ये मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपको कोई दिक्कत हो सकता है। ये जो मेथड मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारी सेट में ये आप मेथड अप्लाई कर सकता है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना हमारा, देखिए 4 पॉइंट है, देखिए इसको मैं देखिए अच्छा से देखा दीजिए, क्लियर देखा दीजिए। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन, ये मेथड अप्लाई करने का पहले आपको अच्छा से फाइंडिंग करना पड़ेगा, तब भी ये मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप सोच समझे ये काम करेंगे। ये नॉलेज, ऐसा नॉलेज आप अचीव करना चाहता है, मेरा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकता है, और मेरा जो ऑफलाइन जो प्रोग्राम है उसमें भी आप
ज्वाइंट अटेंड कर सकता है ऑफलाइन मेरा ऑफिस में जो प्रोग्राम होता है। देखिए इधर ऑन करिए, देखिए यहाँ पर इस साइड से ही मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा अप करिए, देखिए पावर लाइट आया है ना, थोड़ा सा ऊपर हटाइए, हाँ पावर लाइट आया है, देखिए इधर इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए ऑन किया है, देखिए चालू हुआ ना, इधर से देख लीजिए कोई बात नहीं, सेट तो आने के लिए बात है, चालू होने के लिए, देखिए चालू हुआ है ना दोस्तों, अभी वो मूड ऑफ हो रहा है, देखिए ना। पहले तो क्या ये जो डिस्प्ले आने के बाद ही वो ऑफ हो जा रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है। आप बताएंगे सर कोई लाइट का कोई प्रॉब्लम होगा, लाइट का कोई इशू नहीं आएगा, मैं आपको उधर से अच्छा से क्लियर करके ऑन करके देखाऊंगा, आप अच्छे से देखो, बंद करिए थोड़ा सा। तो दोस्तों अब वीडियो मैं आपको प्ले ऑन करके दिखाऊंगा, आप देखिए, आप पूछेंगे सर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो क्या करूं, देखिए डेमो चलाऊंगा, देखिए कोई दिक्कत हो रहा है आपका पिक्चर में, कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक कॉर्नर पे डार्क है लेकिन इमरजेंसी के लिए चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें, थोड़ा सा पहले यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो थोड़ा हीट होने का वजह से वो रिफ्लेक्टर डैमेज हो गया है, तो अभी जो सेट चालू हुआ है देख रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा साथ जुड़ा रहना चाहता है, ऐसा नॉलेज आप खुद अचीव करना चाहता है तो मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम होगा ऑफलाइन ऑनलाइन में उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर देखिए पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप कॉन्टेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन, ओके ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बहुत सारी फ्रेंड मुझे फोन किया था, वो हमको पूछ रहा था सर आपका ऑनलाइन क्लास कैसे होता है, आप कैसे प्रोवाइड करते हैं। देखिए मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है वो ऐसा करके मैं पूरा पैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के मैं कोशिश करता हूँ, तो ए टू जेड पैनल का अंदर जो कुछ है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, यहाँ पर ये मैं बोर्ड में हंग कर दिया तो एक एक करके मैं दिखाऊंगा, तो चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, ज्यादा टाइम मैं ये नहीं रखूंगा, दो पांच मिनट का अंदर देखिए, ये एक पैनल है, इस पैनल में आप देखिए, आप भी देखिए सब, ये ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास मेरा चालू है, रनिंग है, ये देखिए पैनल है, ये पैनल देखिए यहाँ पर क्या है, गेट कॉप लगा हुआ है, इधर देखिए।